ओबीसी के लिए छात्रावास की स्थापना की जा रही है लेकिन पहले ओबीसी के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मेरी चर्चा हुई इस बात पर मुहर लगी कि ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय होना चाहिए जब फाइल मेरे पास हस्ताक्षर के लिए आई तो मैंने एक पल के भी देरी किए बिना हस्ताक्षर कर दिए और नौ मार्च दो को महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना की गई वन सांस्कृतिक मामलों और मत्स्य पालन राज्य मंत्री के साथ साथ जिले के संरक्षक मंत्री सुधीर मुनकंटीवार ने कहा उन्होंने आगे कहा कि मैं हमेशा ओबीसी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूँ ओबीसी बालक बालिका छात्रावास क्रमांक दो का लोकार्पण मुनकटीवार इनके द्वारा क्या गया वह उस समय बात करे थे डेढ़ से दो साल में ओबीसी छात्रों के लिए बेहद खूबसूरत हॉस्टल बनकर तैयार हो जाएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि डिजाइन नासिक की धरती पर तैयार किया क्या है इस अवसर आरोप विधायक किशोर जोरगेवाल सलाहकार पुरुषोत्तम सातपुते भाजपा महानगर अध्यक्ष राहुल पाउडे सहायक आयुक्त कवाड़े अरुण तिखे विलास माथनकर अनिल डाके गोमती पचभाई डॉक्टर मंकेश रमेश रमेशकर संदीप आवारी पुरुषोत्तम सहारे सूर्यकांत खनके उमेश गोराम सुभाष कासम गोटुवार अजय सरकार सविता कामडे श्रुति गवारे शिला चौहान शीतल गुरे वनिता डुकेरे उपस्थित थे कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट